में कंप्लेंट दी थी कि मेरा लड़का चमार खेड़ा गाँव में मिलने गया हुआ था किसी लड़की से, और वहाँ उसके भाइयों के द्वारा उसके साथ कुछ गलत किया गया है, जिस पर जांच में आगे पाया गया खरखोता में एक डेड बॉडी मिली सोनीपत में, और उसको जब परिवार वालों ने आइडेंटिफाई कर लिया तो उस पर आगे कार्रवाई करते हुए हत्या का मामला दर्ज किया गया था, और परिवार के द्वारा उसमें जिन भी व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया था नामजद आरोपी बनाए गए हैं और उनके संबंध में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसी संबंध में दो आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, अमित और मनोज हैं जो मृतका के भाई हैं, और उन्होंने माना है कि उनके द्वारा ये किया गया है। वो लड़की सर उसी गांव की रहने वाली थी? नहीं, लड़की चमारखेड़ा गांव की। तो कोई गोत्र का तो मामला नहीं था, एक ही गोत्र के ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी अभी पूछताछ हम उनसे कर रहे हैं, अरेस्ट करने के बाद आज उनको पुलिस रिमांड पे लिया गया है, सारी बातें गहनता से। तो हत्या कैसे की गई, पानी में नहर में गिर दिया गया था पहले मार दिया गया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो रहा है कि उसको चोट मारी गई थी, उसके बाद वो पानी में डाला गया था। सर लड़की की भी पहले हत्या हुई थी या उसने आत्महत्या वगैरह की? नहीं, लड़की का आत्महत्या का जो अभी तक हमारे सामने आया है वो आत्महत्या ही है, और उसका भी पोस्टमार्टम वगैरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आता। तो वो लड़के के मरने के बाद की है? जी नहीं, वो पहले ही उसने सुसाइड कर लिया था जब उसको पता लगा कि परिवार को सारी बातों का पता लग चुका है। तो उसके बाद ही जो है इन्होंने कि हमारी लड़की मर गई इसलिए उसको मार दिया? हाँ, अभी रिमांड के दौरान सारी पूछताछ की जाएगी, सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगी तो बता दी जाएगी।